यही फिन फार्मर्स फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम डीफाई का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यील्ड फार्मिंग डिस्कस करने वाले हैं। यील्ड फार्मिंग एक तरीका है अपने क्रिप्टोस से और क्रिप्टोस जनरेट करने का। ट्रस्ट मी, अगर आपको डीफाई में पैसे कमाने हैं तो आपका सबसे ज्यादा दिमाग यही यूज होने वाला है, तो इस ध्यान से समझना। यील्ड फार्मिंग लिक्विडिटी माइनिंग के नाम से भी जानी जाती है। यील्ड फार्मिंग को आप स्टेकिंग के पैरेलल भी समझ सकते हैं। क्रिप्टो स्टेकिंग में आपके डिपॉजिटेड क्रिप्टोस लॉक हो जाते हैं एंड आपको डिपॉजिटेड क्रिप्टोस पर इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल ETH 2.0 नेटवर्क पर अगर आप अपने 32 ETH टोकन स्टेक करते हो तो आप एक वैलिडेटर बन जाते हो एंड आपको आपके डिपॉजिटेड टोकन्स पर इंटरेस्ट मिलता है। यील्ड फार्मिंग स्टेकिंग से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और आप यील्ड फार्मिंग बिना लिक्विडिटी पूल्स के इमेजिन भी नहीं कर सकते। लिक्विडिटी पूल्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स यील्ड फार्मिंग में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अगर आपको जानना है लिक्विडिटी पूल्स क्या है और वो कैसे काम करते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी तक ये समझ चुके हैं कि यील्ड फार्मिंग में हम बेसिकली क्रिप्टो करेंसी की खेती करें और खेती करने के लिए हमें लिक्विडिटी पूल्स की जरूरत पड़ेगी। स्टेकिंग और यील्ड फार्मिंग में मेन डिफरेंस सिर्फ लिक्विडिटी पूल्स का है। स्टेकिंग में लिक्विडिटी पूल्स यूज नहीं होते। अब यील्ड फार्मिंग काम कैसे करती है वो समझते हैं। जब भी आप किसी लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो आपको आपकी पोजीशन उस पूल में रिप्रेजेंट करने के लिए लिक्विडिटी टोकन्स रिसीव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आवी में यूएसडीसी डिपॉजिट करते हो तो आपको एएम यूएसडीसी रिसीव होंगे। सिमिलरली अगर आप किसी एएमएम में जैसे क्विकस्वैप में पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो आपको उस पेयर की लिक्विडिटी टोकन्स रिसीव होंगे जो आपकी पोजीशन उस पूल में रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी एलपीज लिक्विडिटी प्रोवाइड करते तो उन्हें जनरली उसी क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रिसीव होता है। जैसे अभी हमने आवी और क्विकस्वैप को एग्जाम्पल लिया, आवी में क्रिप्टो डिपॉजिट करने पर आपको उसी क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट मिलेगा और क्विकस्वैप में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर आपको उसी पेयर की ट्रेडिंग फीस रिसीव होगी। यील्ड फार्मिंग में मेन गेम यहीं से ही शुरू होती है। जो लिक्विडिटी टोकन्स आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर रिसीव हुए आप उन्हीं टोकन से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करके कोई और लिक्विडिटी टोकन्स जनरेट कर रहे हो एंड आपकी ये चेन कॉन्टिन्यूसली चलती ही रहेगी। जब भी आप कोई नया लिक्विडिटी टोकन जनरेट कर रहे हो आप अपने इनिशियल डिपॉजिट पर अपने रिटर्न्स बढ़ा रहे हो। सिर्फ यही नहीं, कुछ प्रोटोकॉल्स एलपीज को एक्स्ट्रा इंसेंटिवाइज करने के लिए एक्स्ट्रा टोकन्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने यूनिस्वैप क्या है उस वीडियो में समझा था कि यूनिस्वैप पर अगर आप ईथ डाई के पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो आपको उस पेयर की ट्रेडिंग फीस तो रिसीव होगी लेकिन साथ ही साथ आपको यूनिस्वैप के गवर्नेंस टोकन यूनी भी मिलेंगे। अगर आपको ये अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि यील्ड फार्मिंग एक्चुअल में कैसे होती है। जो यील्ड फार्मिंग की स्ट्रेटजी हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमने खुद फिनफार्म में कुछ टाइम पहले अडॉप्ट करी थी। तो हमने सबसे पहले क्विकस्वैप में यूएसडीसी यूएसडीटी पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइड करी। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर ऑफकोर्स हमें लिक्विडिटी टोकन्स मिले। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर हमें ट्रेडिंग फीस भी मिलेगी लेकिन क्विकस्वैप करेंटली एलपीज को एक्स्ट्रा इंसेंटिवाइज करने के लिए अपने गवर्नेंस टोकन क्विक भी दे रहा है। अब हमने क्या किया, हमने वही यूएसडीसी यूएसडीटी का लिक्विडिटी टोकन डाइनो स्वैप में डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने पर हमें डाइनो टोकन्स रिसीव हुए और जो डाइनो टोकन्स हमें रिसीव हुए उनको हमने आगे डिपॉजिट कर दिया और डाइनो टोकन्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारे एक सिंपल सा यूएसडीसी यूएसडीटी पूल का डिपॉजिट हमें चार अलग अलग क्रिप्टोज में पे आउट दे रहा है। कौन कौन से, यूएसडीसी और यूएसडीटी एज ट्रेडिंग फीस मुझे रिसीव हो रहे हैं, साथ ही साथ क्विक टोकन्स और डाइनो टोकन्स भी। अभी जो यील्ड फार्मिंग का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया वो कंपैरेटिवली आसान था। यील्ड फार्मिंग इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। जो क्विक टोकन्स हमें रिसीव हो रहे हैं उन्हें कहीं और डिपॉजिट करके हम कोई और टोकन फार्म कर सकते हैं एंड उस टोकन से कोई और टोकन फार्म कर सकते हैं और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहेगा। तो हम अपने इनिशियल डिपॉजिट पर एक्सपोनेंशियल रिटर्न
यील्ड फार्मिंग करके ले सकते हैं। यूजुअली यील्ड फार्मर्स अपनी फार्मिंग स्ट्रैटेजीज प्राइवेट ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही और लोग सेम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, वो स्ट्रैटेजी उतनी ही कम इफेक्टिव होती रहेगी। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि यील्ड फार्मिंग क्या है और वो कैसे काम करती है, लेकिन यील्ड फार्मिंग में सडन इंटरेस्ट आया कहां से? यील्ड फार्मिंग में सडन इंटरेस्ट कॉम टोकन के लॉन्च से रिलेट किया जा सकता है। कंपाउंड ने अपने प्लेटफॉर्म पर लिक्विडिटी अट्रैक्ट करने के लिए अपने गवर्नेंस टोकन कॉम्प LPs को डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू किए। सिंस देन बहुत से प्लेटफॉर्म सिमिलर टेक्निक यूज कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पर लिक्विडिटी अट्रैक्ट करने के लिए। टेक्निकली कंपाउंड ने यील्ड फार्मिंग इन्वेंट नहीं करी, जस्ट कॉम्प टोकन के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने इस प्रैक्टिस को पॉपुलर कर दिया। अब यील्ड फार्मिंग में आपके रिटर्न्स कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं? टिपिकली यील्ड फार्मिंग रिटर्न्स एनुअली कैलकुलेट किए जाते हैं। एनुअल परसेंटेज यील्ड APY और एनुअल परसेंटेज रेट APR ये दोनों कॉमन मेट्रिक्स हैं जो आपके एस्टिमेटेड रिटर्न्स बताते हैं। APR और APY में ये डिफरेंस है कि APY कंपाउंडिंग इफेक्ट को कंसिडर करता है, जबकि APR कंपाउंडिंग कंसिडर नहीं करता। यील्ड फार्मिंग उतनी आसान है नहीं जितनी आप लोगों को लग रही है। यील्ड फार्मिंग में कई रिस्क भी प्रेजेंट है। सबसे पहला रिस्क कॉम्प्लेक्सिटी का आता है। यील्ड फार्मिंग स्ट्रैटेजीज काफी कॉम्प्लेक्स हो सकती है एंड इसकी वजह से ये सिर्फ एडवांस यूजर्स को ही रेकमेंड की जाती है। साथ ही साथ यील्ड फार्मिंग उनके लिए ज्यादा सूटेड है जिनके पास ऑलरेडी ज्यादा कैपिटल है डिप्लॉय करने के लिए। कम कैपिटल से आपको उतने गेन्स नहीं मिलेंगे और हो सकता है आप अपने गेन्स सिर्फ ट्रांजेक्शन फीस में ही निकाल दो। सबसे ऑब्वियस रिस्क स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का है। सिंस DeFi परमिशन लेस है तो कोई भी डेवलपर अपने कोड्स डिप्लॉय कर सकता है। अनऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में बग निकलना कॉमन है। साथ ही साथ स्कैमर्स फेक प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करते हैं एंड लिक्विडिटी अट्रैक्ट करने के बाद रग पुल कर देते हैं, मीनिंग सारी लिक्विडिटी स्कैमर्स निकाल लेते हैं एंड आप जो नया टोकन फार्म कर रहे हो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती। यील्ड फार्मिंग एक लेटेस्ट क्रेज है DeFi रेवोल्यूशन में। ये कहना मुश्किल है कि और क्या क्या नई चीजें DeFi रेवोल्यूशन से हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल यील्ड फार्मिंग एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। इसमें काफी रिस्क एसोसिएटेड है, लेकिन साथ ही साथ एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी आपको 4 digits तक का APY दे सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यील्ड फार्मिंग स्ट्रैटेजीज जानने में जो हम FinFarm में अडॉप्ट करते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑलराइट FinFarmers, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यील्ड फार्मिंग है क्या और वो कैसे काम करती है। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।